जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एसएससी में निकली आपकी सीएचएसएल की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी 10+2 के आपके लेवल के एग्जामिनेशन होंगे, जो देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम होंगे। उसके आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट में आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, वो आपको जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस, आपसे निवेदन रहेगा जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट मिलती रहा करेंगी हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, देखिए आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये है आपका सीएचएसएल का, आपका एसएससी में निकला नोटिफिकेशन, जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है 2021 का। आपका देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/2/2022 से लेकर 7/5/2022 तक रहेंगी, ठीक है। तो 1 फरवरी से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन जो है फीस जमा करने की 7/2022 तक, यानी 11 बजे तक लास्ट डेट रहेगी। टाइम और मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 8/3/2022, यानी एक दिन का आपको गैप दिया गया। लास्ट डेट आपके टाइम जनरेशन ऑफलाइन चालान 9/3/2022 तक। आपको लास्ट डेट आपको पेमेंट रहेगी थ्रू चालान ड्यूरिंग 10/3/2022 तक। डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चेंज चार्जेस दे सकते हैं, जो कि आपका रहेगा 11/3 से। यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट में करेक्शन है, चार्जेस हैं 11/3 से लेकर 15 मार्च तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 May 2022 में, आपका टीयर 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेटर बाद में। यहाँ पे आपको पे स्केल दे सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, पे लेवल 2 रहेगा 19 से लेकर 63। आपका जो पोस्टल असिस्टेंट की है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की है, जिसमें आपका पे लेवल 4 रहेगा 25 से लेकर 81 हज़ार तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए वैकेंसी लेकर जिसका पे लेवल आपका 4 ही है 25 से 81, और पे लेवल 5 रहेगा 29 से लेकर 92 तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A आपका लेवल 4 25 से 81 रहेगा, ठीक है। वैकेंसी विल बी ड्यू टू कोर्स अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन अपलोडेड वेबसाइट, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप दे सकते हैं, जाकर दे सकते हैं वैकेंसी कैंडिडेट कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, आपको दे सकते हैं आपको कौन कौन सी वैकेंसी फिजिकल डिसेबल की सूटेबल है, वो यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगी। डाटा एंट्री और फंक्शनल रिक्वायरमेंट सूटेबल कैटेगरी यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद चार्ट नंबर पेपर जो है 3 पर है, ठीक है। नेशनल सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है, एज लिमिट यहाँ पे दे सकते हैं 18-27 दे रखी है 1/1/2022 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1995, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे सकते हैं 1/2004 के बीच में आप आयु है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एस सी कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, फिजिकल डिसेबल को 10 साल, और फिजिकल डिसेबल ओबीसी 13, और फिजिकल डिसेबल एस सी कैंडिडेट है 15, और एक सर्विस मैन है 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन है वो देख सकते हैं, उनका पूरा चार्ट दे रखा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे एग्जाम पैटर्न के बारे में मिलेगा, एक्सप्लेनेशन है वो देखने को मिलेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दे सकते हैं, नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ एसेंशियल एजुकेशन सर्विस, आपके क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दे रखा है LDC, GSA, PA, SA, DO के लिए यहाँ पे मस्ट बी कैंडिडेट 12th पास है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे एग्जामिनेशन है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए यहाँ पे देखते हैं 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, किस तरीके से अप्लाई करना है वो यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं। वुमेन और फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेंगे, SC ST कैंडिडेट भी, ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, यहाँ पे आपका सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं, सेंटर यहाँ पे कोड दे रखा है तो यहाँ पे दे सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड दे रखा है, और SSC यहाँ पे रीजन UT आपका दे सकते हैं, जुडिशियल रीजन एड्रेस और रीजनल ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी।
पूरा सेंटर दे रखा है यहाँ पे एग्जामिनेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और डिस्क्रिप्टिव आपका टीयर वन रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा टीयर टू, स्किल टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट होगा थ्री, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर नेशनल सिस्टम वेट ऑफ मेजर विल यूज, यहाँ पे देख सकते हैं टीयर वन का आपको दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंटेलिजेंस क्वांटिटी एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे मैं विस्तार से अलग से आपको वीडियो बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पूरे सिलेबस के बारे में, टाइपिंग इसके टीयर थ्री के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं कंप्लीट जानकारी अलग से दूंगा। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको ये देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर यहाँ पे आपको बता रखा था टेंटेटिव वैकेंसी में जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए टेंटेटिव वैकेंसी में गए तो यहाँ पे आपको आ रहा है उसके बारे में नोटिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल के, आपको अपडेट यहाँ पे 8/2/2021 को किया जाएगा, ठीक है। अब हम होम पर चलते हैं, अप्लाई के बारे में बात करते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो न्यू यूजर है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो पहली बार कर रहे हैं रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है, यस या नो करना है। अगर आधार है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आधार वाले केस में बताऊं, यहाँ देखिए सबके पास आधार होगा, देखिए आज के आपके पास आधार हो तो बहुत इजी रहता है फॉर्म भरना, आधार नंबर वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ पे अगर देखिए अगर नहीं है उस केस में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईडी पूछी जाएगी, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेज है, वोटर आईडी, जो भी है यहाँ पे आप देना चाहें तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आईडी नंबर, नेम आपका वेरीफाई नेम, यहाँ पे आपने नाम चेंज किया था अगर कभी यस यहाँ पे कर दीजिएगा, नहीं किया था तो नो रहने दीजिएगा, यस किया तो न्यू नेम चेंज नेम फादर नेम वेरीफाई फादर नेम, द्वारा से अपने पिताजी का नाम, मदर नेम इसी तरह द्वारा से मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देना है, फिर द्वारा से डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका हाई स्कूल आपका क्लास एग्जामिनेशन डिटेल देनी है, जिस बोर्ड से किया है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट कोई भी आपका स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई आईएससी तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई फिर से आपको करना है इसी तरीके से, रोल नंबर यहाँ पे देंगे वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे इसी तरीके ईयर ऑफ पासिंग आपको फिर दोबारा से देना है, मेल फीमेल है जानकारी देनी है, दो एक फर्स्ट बार जेंडर वेरीफाई दूसरी बार, ठीक है। तो आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है आपका, देखिए लेवल एग्जामिनेशन हाई स्कूल ट्वेल्थ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेरीफाई ईमेल आईडी, आपको किस स्टेट के हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से हमारा जो पहला स्टेप है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा एडिशनल आपका कॉन्टैक्ट डिटेल डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर हमें जो है उस पर लाइक करके आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं मैसेज द्वारा मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखिए दूसरी आपके जो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी कैटेगरी बतानी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अपनी कैटेगरी को आपको चुनना है, जो भी आप कैटेगरी एक जनरल से हैं, नवी सेक्टर हैं या ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं और एससी हैं, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान होना चाहिए कि सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है, तभी आप मान्य होंगे, ठीक है। यहाँ पे नागरिकता चुन लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है बॉडी पर आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो मार्क करके छोड़ दीजिएगा। आप फिजिकल डिसेबिलिटी है यस यहाँ पे कर सकते हैं, आपके डिसेबिलिटी टाइप आएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिस टाइप के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी है वो पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट आपका एड्रेस आ रहा है वो यहाँ पे आपको देना है, आपको बताना है किस स्टेट से है, उत्तर प्रदेश, आपको पिन कोड देना है, ठीक है, पर प्रेजेंट एड्रेस की यहाँ पे जानकारी देनी है, दोनों अगर सेम है यस पे क्लिक कर दिए तो आपका डेटा है जो भी आपने फिल किया होगा यहाँ पे कॉपी होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अनदर नेशनल है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, अगर यहाँ पे सब कुछ सही होने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं पहले से कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डिक्लेरेशन आ रहा है, आई एग्री पे करता हूँ, फाइनल सबमिट है, यहाँ पे आपको मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखिए मोबाइल पर और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे आपको फिल करना, कैप्चा को फिल करना और यहाँ पे आपको देखिए सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप दे सकते हैं फ्रेंड आपके पोर्टल पे एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाया था,
ठीक है, ये वो ओटीपी था जो आपको यहाँ पे फिल कर देंगे और कैप्चा फिल कर सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए मैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। ठीक, यहाँ पे आपको देखिए आपकी जो डिटेल है आपको उसको एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही केयरफुली ध्यानपूर्वक करके आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपकी डिटेल होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी मैंने डिटेल भरी थी उसके अनुसार यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर, मैंने आगरा चुन लिया, इसके बाद मैं कुछ भी एक कानपुर चुन लेता हूँ। ठीक है, अपने नियरेस्ट आप यहाँ पर चुन सकते हैं, झांसी चुन लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको चुनना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको सेंटर अपने चुन लेने हैं एक, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे यहाँ पे चुनने के बाद। यहाँ पे मीडियम आपको टाइपिंग टेस्ट क्या है, इंग्लिश हिंदी, जो भी आपके टाइपिंग टेस्ट हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेरीफाई मीडियम टेस्ट फिर से दोबारा से करना है, इंग्लिश यहाँ पे कर देता हूँ। आपने जो पास किया है 12th साइंस मैट्रिक, यस यहाँ पे कर दीजिएगा। यहाँ पे आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, अपने अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्स, अगर यस करते हैं तो उस केस में आपको बताना है। डिस्चार्ज लाइकली आपको बताना है, आर्म फोर्स से कब डिस्चार्ज हुए तो उसकी डेट यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्म सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंट सिविल पोस्ट अवेलेबलिंग बेनिफिट रिजर्वेशन एक्ट सर्विस, यहाँ पे अगर अपने जो आप सिविल जो आर्म फोर्स में काम करते हो हमने लाभ उठाया है सिविल, आपको यस या नो करना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट के बारे में डिटेल देंगे, आपका आपको सर्फिंग आप सर्वल पैरालिसिस है यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिजिकल लिमिटेशन है यस या नो करना है, इस तरीके यहाँ पे डिटेल आ रही है। वेदर यू स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है, जो आप फिजिकल डिसेबल उनके अनुसार यहाँ पे आएगा। आप एज रिलेक्शन देख रहे हैं SSC यस, तो यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको उसको बतानी पड़ेगी आप किस में देखना चाहते हैं उसके अनुसार। ठीक है, यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन पे यहाँ पे आपको जो चार्ट आएगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका है तो यहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने MCA सेलेक्ट कर लिया। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपने डीम ग्रेजुएशन किया है या इक्विवेलेंट आपका 12th स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे बता सकते हैं, मैं डीम ग्रेजुएशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटस बताना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बाद तो यहाँ पे आपको स्टेटस बताएंगे अपना। देखिए अगर आप देखिए 12th करेंगे तब इस केस में आपका एक्टिवेट होगा, आपको यहाँ पे बताना पास या अपियरिंग है, आपको बताना पासिंग ईयर, आपका स्टेट बोर्ड क्या है, यहाँ पे आपको बताना है नेम ऑफ बोर्ड क्या है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, और CGPA है तो CGPA बताना है। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे आप देखिए अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि 1 नवंबर 2021 से आपने अगर खींचा हो। ठीक है, अपलोड सिग्नेचर करने हैं 10 से 20 KB के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 20 से 50 KB में अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे वेदर फोटोग्राफ हैज बीन टेकन या आफ्टर 1 नवंबर, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से डिक्लेरेशन यहाँ पे आ रहा है, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कैप्चा फिल आ रहा है, इसको आप यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेंगे एक बार। प्रीव्यू करने के बाद अगर कोई गलती है उसे सुधार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए जो आपका प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो आपने फॉर्म में फिल किया है वो सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एडिट या मॉडिफाई करने का आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट मॉडिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये आपकी पूरी डिटेल होगी। ठीक है, वो देख सकते हैं यहाँ पे आपको। देखिए फिर इसके बाद आपको जो है फीस पेमेंट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो फीस पेमेंट करनी है। अगर आपका फीस पेमेंट अब वुमेन है और SC ST है, फिजिकल डिसेबल है, तो यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये थी फ्रेंड जानकारी आपकी SSC CGL में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में, उसकी कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जानकारी दी। आई होप आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप फॉर्म फिल में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट है हमारे चैनल, बने रहे। वीडियो देखने दें।